আটাইতকৈ সফল মৰ্চা হল এন ডি এ। শুকুৰবাৰে সংসদৰ চেণ্ট্ৰেল হলত এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ জয় হৈছে এন ডি এৰ মহাবিজয়। এন ডি এৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে এন ডি এক দেশৰ আটাইতকৈ সফল মৰ্চা বুলি অভিহিত কৰি মোদীয়ে এন ডি এৰ সকলো অংশীদাৰী দলক জ্ঞাপন কৰে ধন্যবাদ। ये सबसे सफल अलायंस है। पांच पांच साल के तीन टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस चौथे टर्म में एंटर कर रहा है कि एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। দেশ চলাবলৈ যিদৰে সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰ প্ৰয়োজন, একেদৰে দেশ চলাবলৈ সৰ্বসন্মতিৰ প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰি মোদীয়ে এন ডি এৰ তিনি দশকৰ যাত্ৰা স্মৰণ কৰে। পাঁচ পাঁচ চাল কে তিন টাৰ্ম সফলতাপূৰ্বক পাৰ কিয়ে হে আৰু এলায়েন্স চৌথে টাৰ্ম মে এণ্টাৰ কৰ ৰহা হে। बीते 10 वर्षों में हमने एनडीए की उसी विरासत, उसी मूल्यों को लेकर के निरंतर आगे बढ़ने का और देश को आगे बढ़ाने का कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। इन सब ने अपने अपने समय में, अपने अपने कार्यकाल में जब जब जहां सेवा करने का मौका मिला है, गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। और बाकी भी जो फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता भी दक्षिण भारत एनडीए प्रति समर्थन बढ़ी से कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलार जनता समर्थन दिसे एनडीए। এনডিএৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ নেতা হিচাপে পুনৰ দায়িত্ব দিয়াটো মোদীৰ প্ৰতি সকলোৰে বিশ্বাস থকাটো প্ৰতিপন্ন কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে মোদীয়ে। এই বিশ্বাসেই মোৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ পুঁজি বুলি মন্তব্য কৰা মোদীয়ে কয় যে যিকোনো পৰিস্থিতিতে আমি দেশক আগুৱাই নিবলৈ নিৰন্তৰ প্ৰয়াস কৰিম। अगले 10 साल में मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवी के जीवन में से और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 18, अहम नोटिस। हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है।